सभी को नमस्कार। मैं महेंद्र बहादुर सिंह, जिला मजिस्ट्रेट मैनपुरी। अभी तक यद्यपि मैनपुरी में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति कोई भी नहीं पाया गया है, फिर भी सुरक्षा के दृष्टिगत कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए जनपद मैनपुरी को 27 मार्च 2020 तक लॉकडाउन घोषित किया जाता है। केवल आवश्यक सेवाओं के लिए, वस्तुओं के लिए ही घर से निकल पाएंगे। यदि अनावश्यक रूप से घर से निकलेंगे और बाहर घूमते हुए पाए जाएंगे तो FIR दर्ज की जाएगी और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फेसबुक, व्हाट्सएप या अन्य किसी माध्यम से अफवाह फैलाने या अनावश्यक टिप्पणी करने पर FIR दर्ज कराई जाएगी। जो भी लोग बाहर से आए हैं, चाहे दिल्ली से आए हैं, चाहे मुंबई से आए हैं, चाहे विदेश से आए हैं, ऐसे सभी लोगों को अपने घर में आइसोलेशन में रहना है और अपने घर में जो भी वृद्धजन हैं, जिनकी उम्र भी 60 वर्ष से ज़्यादा है, उनसे दूर रहना है। उनकी सुरक्षा भी उनकी जिम्मेदारी है। अगर जो लोग बाहर से आए हैं और 14 डेज़ के पहले घर से बाहर निकले पाए जाएंगे तो FIR दर्ज करते हुए अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जो भी लोग बाहर से आए हैं या किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए हैं जिसको कोरोना वायरस से संक्रमण होने की संभावना है और ऐसे व्यक्तियों में खांसी, जुकाम, बुखार, सांस लेने में दिक्कत आदि लक्षण प्रतीत होते हैं, तो ऐसे लोग जिला अस्पताल में या CSC PSC पर जाकर अपनी जांच कराएंगे ताकि हम प्रशासन निर्णय कर सके कि ऐसे व्यक्ति का कोरोना वायरस संक्रमण के लिए सैंपल लेना आवश्यक है कि नहीं आवश्यक है। सावधानी ही बचाव है। सभी को मिलकर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एकजुट होकर साथ देते हुए आगे बढ़ना है और सोशल डिस्टेंसिंग अपनानी है। कम से कम 1 मीटर दूरी से बात करनी है और अगले तीन दिन घर से नहीं निकलना है। अनावश्यक रूप से घर से निकलेंगे तो प्रशासन को FIR दर्ज कराने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। तो सभी से आग्रह है कि लॉकडाउन का अनुपालन करें, अपने अपने घरों में रहें और बहुत ही आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें, या जिनको ऐसी सेवाओं में जो लोग हैं जिनको निकलना आवश्यक है केवल वही लोग निकलेंगे। सभी को धन्यवाद।